चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। हमने पिछले क्लास में इकाई 3 के जो पॉइंट पढ़ा रहे थे वह था मुद्रा से होने वाले लाभ, और उसमें हमने बताए थे कि मुद्रा से कई लाभ होते हैं और उससे 2 लाभ बता दिए थे और आज तीसरा लाभ होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मेन जो पॉइंट है उसको ऊपर में लिख लीजिए, या फिर लिखे हुए होंगे, आप तो लिखने का जरूरत नहीं है, जो नए जुड़े होंगे उसको लिखने का जरूरत है। मुद्रा से होने वाले लाभ, ये मेन पॉइंट था। जो पिछले क्लास में होंगे उसको लिखने का जरूरत नहीं है, जो नहीं होंगे उसको जरूरत है। होने वाले लाभ में हमने 1 नंबर बता दिए थे और 2 नंबर भी बता दिए थे और 3 नंबर भी बता दिए थे, और आज होगा चौथा नंबर। चौथा नंबर है मुद्रा से पूंजी पर प्रभाव। थोड़ा सा समझ लीजिए फिर हम नोट कराएंगे। आप पूंजी शायद समझते हैं, आपके आय का वह भाग आपका पूंजी कहलाता है जिसको आपने और अधिक लाभ कमाने के लिए कहीं पर लगाना चाहते हैं या लगाए हुए हैं, वही आपके आय का भाग पूंजी कहलाता है। तो मुद्रा से पूंजी पर प्रभाव, तो मुद्रा से पूंजी पर यह प्रभाव पड़ा कि मुद्रा के रूप में सबसे पहले तो पूंजी को इकट्ठा करके रखना संभव हो गया, साथ ही साथ उस पूंजी को मुद्रा के रूप में आप दूर के बाजारों में, दूर के शहरों में, दूर के देशों में जाके लगा भी सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा से पूंजी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुद्रा के आविष्कार होने पर पूंजी तरल रूप में आ गए हैं, अतः अब मुद्रा के रूप में पूंजी को कहीं भी लगाना संभव हो रहा है। तो इस तरह से आपने मुद्रा का पूंजी पर जो प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है उसको समझ गए और लिख भी लिए। अब 5वां पॉइंट है आपका मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव। बिल्कुल, इसको भी पहले समझ लीजिए, मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र। बिल्कुल, एक कहने की जरूरत नहीं है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं तो कहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र का जो रूप इतना बड़ा से इतना बड़ा हुआ है और गति जो धीमी थी वो जो आज चरम सीमा पर पहुंच गई है, वो सब मुद्रा का ही कमाल है। मुद्रा के ही कारण आज अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र का विकास और रूप व्यापक हो पाया है। मुद्रा के सहयोग से लोग निवेश अधिक करने लगे हैं, साथ ही साथ इससे उत्पादन अधिक होने लगा है, और जब उत्पादन अधिक होने लगा है तो आर्थिक क्षेत्र में विकास होना, आर्थिक क्षेत्र का रूप बड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। मुद्रा के खोज के बाद आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आपने मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या पड़ रहा है, उसको आपने समझ लिया और लिख भी लिया। अब मुद्रा से होने वाले लाभ में छठा लाभ है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसका निवारण हुआ है इससे। वही पॉइंट है इसमें, लिख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाई का निराकरण। पांचवा था वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण। इसको लिख लीजिए और फिर इसको हम समझाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण। निराकरण का मतलब होता है कि किसी समस्या का समाधान कर लेना। अब एक बार मेरे भाई, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई का निराकरण, एक बार मैं आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई होती थी थोड़ा सा उसको एक बार थोड़ा सा एक मिनट टाइम में समझाता हूं। आपको शायद याद होगा, मैं पिछला याद दिलाता हूं कि वस्तु विनिमय क्या होती है। हमने बताए थे कि इस विनिमय में क्या होता है, एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। और हमने ये भी बताए थे कि इस विनिमय प्रणाली में आप अपने मन से नहीं कोई वस्तु दे देंगे, वो सामने वाले से आप जो वस्तु ले रहे हैं उसके बदले में वह किस वस्तु की मांग कर रहा है वो वस्तु आपको देना पड़ेगा। इसमें काफी दिक्कत होती थी। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो उस समय एक व्यक्ति को एक नदी पार करना था, और नदी के तट पर जब पहुंचा उन्होंने तो नाविक था वहां पर, और तो व्यक्ति से कहा कि हम नदी पार करेंगे तब जब हमको तार दीजिएगा। लेकिन जो व्यक्ति गया था उसके पास चावल था कि चावल दे देंगे नाविक को, हमको नदी पार कर देगा। तो नाविक ने कहा कि नहीं, मुझे तार चाहिए, और यह व्यक्ति वहां पार नहीं हो पाया और फिर तार खोजने के लिए चला। तार वाला के पास पहुंचा, कहा कि ये चावल लीजिए और तार दीजिए। तार वाले ने कहा नहीं, हमको तो जरूरत है दाल की, दाल जो देगा उसी को हम तार देंगे, मेरे पास चावल है ही। और फिर ये चावल वाला व्यक्ति दाल वाले के पास गया, कहा कि भाई चावल लीजिए और दाल दीजिए। कल कह नहीं, मेरे पास चावल भी है, हमको जरूरत है कंबल की। अब फिर ये चावल वाला व्यक्ति गया कंबल वाले के पास, संजोग ऐसा था कि कंबल वाले को चावल की जरूरत थी, और फिर इन्होंने कंबल वाले को चावल दिया और फिर कंबल लिया। फिर आया दाल वाले के पास, फिर दाल वाले को कंबल दिया, फिर उससे दाल लिया, और फिर दाल लेके चल गया किसके पास, तार वाले के पास, और तार वाले के पास जाके फिर उसको कंबल दिया, सॉरी दाल दिया और तार लिया, और फिर वो तार लेके तब गया नाविक के पास, और फिर नाविक को तार दिया, फिर तब वो पार किया। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी कठिनाइयां थी। एक नौ एक धार को पार करने के लिए क्या क्या करना पड़ा लोगों को। तो ये सब कठिनाई दूर हो गई। अब क्या होता है, पैसा होता है, पैसा दीजिए हर काम हो जाएगा इच्छा अनुसार से, कोई सब कठिनाई दूर हो गई, कहीं कोई मेल खाने की बात ही नहीं रही। इसलिए यह चीज दिया गया वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई का निराकरण। अब इसको समझ गए हम, अब इसको तुरंत लिख लीजिए। देखिए, मुद्रा के आविष्कार
से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां दूर हो गई है। अतः विनिमय कार्य आसान हो गया है। मेरे भाई, अब मुद्रा से होने वाली जो लाभ है, वैसे तो बहुत सारे लाभ है, प्रमुख लाभों में से जो सातवां लाभ है, वो लास्ट लाभ है प्रमुख लाभ में से, उसको हम लिखाने जा रहे हैं। उस लाभ का नाम है मुद्रा से पूंजी निर्माण करने में लाभ। लिख लीजिए पहले सातवां। मुद्रा से पूंजी निर्माण करने में लाभ, ये लिख लीजिए, मुद्रा से पूंजी निर्माण करने में लाभ। मेरे भाई, पूंजी निर्माण का मतलब समझते हैं कि पूंजी को इकट्ठा करना। तो मुद्रा से पूंजी निर्माण करने में क्या लाभ है? बिल्कुल स्पष्ट है, मुद्रा के रूप में हम पूंजी को इकट्ठा अधिक समय तक अधिक मात्रा में रख सकते हैं। इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा का पूंजी निर्माण करने में काफी सहायता मिल रहा है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, पूंजी को जो आप इकट्ठा करते हैं तो वस्तु के रूप में करते हैं, गेहूं धान चावल बकरी गाय भैंस के रूप में करते, वो अधिक समय तक नहीं रख सकते थे, वो खराब हो सकता था, लेकिन रुपया के रूप में जो आप पूंजी का निर्माण कीजिएगा, पूंजी जो रखिएगा, वो खराब तरह धूल। तो शायद समझ गए कि मुद्रा से पूंजी का निर्माण कैसे करने में आसान होती है, कैसे लाभ होता है। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुद्रा के रूप में पूंजी को सुरक्षित अधिक समय तक बैंक में या किसी धंधा में लगाकर बढ़ा सकते हैं। मुद्रा से होने वाले लाभ को आपने समझ गए और लिख भी लिए। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, व्यापक क्या होता है? बड़ा क्या कोमल, कोई दिक्कत है क्या रे कोमल कुमारी? और किसी को कोई दिक्कत तो आपको? जी 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 बोलिए। अरे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सर आज लग सकता है? हाँ? क्या हुआ कोमल कुमारी? हाँ है। अच्छा, वो नेट का प्रॉब्लम है आपका? तो ठीक है सर। लोग की यह चुप्पी यह संकेत कर रहा है कि शायद आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद अगला पॉइंट क्या होगा वो शायद मालूम होगा आप लोग को, विनिमय का स्वरूप। अगला पॉइंट विनिमय का स्वरूप है, लिखिए आप लोग। सही है ना?
एक बार लिख लिए हैं, पेन रखिए नीचे। अब सुनिए, विनिमय, विनिमय का मतलब हमने बताए थे कि देन लेन, कोई वस्तु देना उसके बदले में लेना ही विनिमय कहलाता है। तो विनिमय का, गौर से सुनिएगा, विनिमय का दो स्वरूप है। एक का नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक का नाम है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि वस्तु से वस्तु का देन लेन होता है। एक वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है, उसको कहते हैं विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली का, उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। और दूसरा है मेरे भाई मौद्रिक विनिमय। मौद्रिक विनिमय किसको कहते हैं? मौद्रिक शब्द का तात्पर्य यहां मुद्रा से है, मुद्रा का मतलब रुपया पैसा से, अर्थात वैसी विनिमय जिसमें मुद्रा से देन लेन होता है, अर्थात एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में मुद्रा देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है, उसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय। अर्थात विनिमय का यही दो स्वरूप है, यही दो रूप है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब एक नंबर लिख के आप लोग डैश दीजिए, वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का, जिसमें वस्तु से वस्तु का देन लेन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देनी पड़ती है। अब हम विनिमय की जो दूसरा स्वरूप है मौद्रिक विनिमय, इसको भी मैंने बता ही दिया था कि जब मुद्रा से देन लेन होता है तो उस विनिमय को कहते हैं मौद्रिक विनिमय। लिख लीजिए इसको, वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का देन लेन होता है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कही जाती है। इसमें एक वस्तु के बदले मुद्रा देना पड़ता है। तो इस तरह से आपने विनिमय का जो स्वरूप था उसके दो स्वरूप होते हैं उसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अब अगर इसमें कहीं भी डॉट है आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए, जी कहीं डॉट है तो पूछ सकते हैं। विनिमय के स्वरूप हमने बताए हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी डॉट है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो शायद लगता है कि आप लोगों को कोई डॉट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका समय इशारा कर रहा है कि अब कुछ ही सेकेंड के बाद समय समाप्त होने वाला है, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ता है।